थाना ट्रांस यमुना के नराइच स्थित ताज हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही ने एक नवजात शिशु व उसकी मां की जान ले ली। यमुना पार क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं होना आम बात हो गई है, लेकिन संबंधित विभाग के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। जानकारी करने पर पता चला कि ताजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले दिनेश कुमार टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं। उनकी पत्नी रश्मि को प्रसव पीड़ा होने पर ताज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रश्मि ने नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की ज्यादा ब्लीडिंग होने पर अनट्रेंड स्टाफ ने ऑपरेशन कर दिया, जिससे प्रसूता की मौत हो गई। महिला व नवजात की मौत होने पर हॉस्पिटल का स्टाफ मौके से भाग गया। सूचना मिलते ही थाना ट्रांस यमुना पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले की जांच पड़ताल की। वहीं मृतक का व नवजात शिशु के शव को पीएम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं अपने बाइक में गर्भावस्था की शुरुआती दिनों से इसी में इलाज कर रहा हूँ। इसी के यहाँ मेरा डिलीवरी कराने की बात करी, मैंने कहा कि हमारे यहाँ कराना डिलीवरी हम करेंगे। डिलीवरी कराई, कल मैंने अपनी बीवी को 6 बजे भर्ती किया। भर्ती करने के बाद में इन्होंने मुझसे 2150 रुपये एक्स्ट्रा जाँच के पैसे लिए। उस पर कुछ बहस हुई, बहस होने के बाद में फिर इन लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इसकी जो नर्स है, मैडम ने नर्स के द्वारा डिलीवरी कराई। 7 बजे मेरी बीवी को लेबर रूम में ले गए और 9:30 बजे तक वो चीखती चिल्लाती रही। उन्होंने किसी घर वाले को ना मिलने दिया, ना किसी को आने दिया। वो चिल्लाती रही, मेरे हस्बैंड को बुलाओ, मेरी माँ को बुलाओ, मेरी बहन को बुलाओ। उसने केस मार दिया, उसका मारपीट की, उसके बाल पड़ पड़ के मारे, उसकी कई जगह चोट के निशान है। जब वो अपने बच्चों को जन्म दे के आई तो उसने सब घटनाएँ बताई और उसने किसी को अंदर नहीं जाने दिया। जब बच्चा आया तो बच्चा उन्होंने ऐसा, मैडम जो नर्स थी, नर्स इतनी बदमाश थी सर, उसने बच्चे को पैदा, आधा बच्चा बाहर आ गया आधा अंदर, और वो बच्चे की वीडियो बना रही है। नर्स वीडियो बनाने लगी अपने फोन से, कहते देख हम तेरा बच्चा, अपने बच्चे की तू जिम्मेदार होगी तो, और बच्चे की वीडियो बना रही है मैडम की। मेरी वाइफ मौत, आपकी बीवी की मौत कैसे हुई? मेरी बीवी की मौत हुई, इन लोगों ने पहले उसको बच्चे को मार दिया, बच्चा, क्योंकि मैडम ने, डॉक्टर ने आई, नर्स के द्वारा डिलीवरी कराई, नर्स के द्वारा मेरा बच्चा मारा गया। मैं बच्चे को लेके AS चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचा, वहां से लौटा तो मेरी वाइफ का अनसरा ब्लेड उल्टी सीधी दबा ब्लेडिंग होने लगी, बच्चा दानी फटी है, और ब्लेडिंग जब होने लगी तो बच्चा दानी कोई ना कुसुमदान के बाद उसकी बच्चा दानी, उन्होंने कहा कि हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी बच्चा दानी निकालनी पड़ेगी। फिर उसकी बच्चा दानी मैंने ऑपरेशन के लिए यस कह दिया, उन्होंने बच्चा दानी निकाली। बच्चा दानी निकालने के बाद कंडीशन पल से गिरती चली गई, और वहाँ से हुआ था वो 2:30 बजे तक खत्म। नाम क्या आपका? मेरा नाम कमला देवी। हाँ बताइए क्या घटना हुई है? उसे खूब बाल पकड़ मारा अंदर। किसको मारा? लड़की को। क्यों क्यों? पिटाई करी है, बंदे के हाथ लगा रहे, बच्चा से फंस गया, और बच्चे के कागज उसने हाथ नहीं लगाया, छोड़ के वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही है उसकी। फिर वो बच्चा भी पैरों का दिया उसने। डिलीवरी नॉर्मल हुई क्या? ऑपरेशन नॉर्मल हुई है। उसके बाद वो बच्चा हुआ है, तो बच्चा का 1 घंटा बाद तो बाहर ही नहीं निकाला है, तो वो बच्चा खत्म हो गया। अब इस समय बच्चा और जच्चा दोनों खत्म हो चुके हैं? बच्चा बाद में हुई है खत्म। पहले बच्चा हुआ? बच्चा तो ले गए माँ, क्या उसी जल लगा के दूसरे नर्स में भर्ती करो। बच्चा तो हम वहाँ पर ले गए, फिर कहे बुलेट ले के आओ, 6 थैली 6 पाउच बुलेट के मंगा दे, मतलब वो सब फैले हुए हैं वहाँ पर सब। और उसने पूरे कागज बुलेट अंदर, मैंने कही, लड़की कह रही मम्मी मुझे इतना मारा, बार पकड़ पकड़ के मुझे मारा, लील पड़ रहे उसके और मम्मी ने कही है, कह रही मम्मी मुझे अब बुलेटिन चल रही है, मेरी बुलेटिन चल रही है। मैंने नर्स ढूंढी है, मैंने कही देखो मेरी लड़की की बुलेटिन चल रही है। तब डॉक्टर ने वो नर्स भीतर ले गई है, डॉक्टर ने भीतर चल रही है। उसने बच्चा दानी बोली कि बच्चा दानी निकलेगी, बच्चा दानी तो हो गई, आने तुरंत ऑपरेशन कर दिया, बच्चा रानी निकाल रही उसने। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चाले चल के शहरों के नाम बदल के, नोटों को कचरा करके और हर निर्धन को चलते, कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो, धोखा नहीं खाएंगे, सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, न्याय।
हो, उन्नति हो, प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय।